कोहली के कायल हुए बिग बी, विंडीज गेंदबाजों को बोला यार कितनी बार बोला विराट को मत छेड़। विंडीज के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए पहले टी20 मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। कप्तान कोहली ने इस मैच में शानदार इनिंग खेली। मैच के दौरान विराट ने पर्ची फाड़ने वाले अंदाज में जश्न मनाया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए पहले टी20 मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया। कप्तान कोहली ने इस मैच में शानदार इनिंग खेली। मैच के दौरान विराट ने पर्ची फाड़ने वाले अंदाज में जश्न मनाया। जी हां, कोहली के इस अंदाज ने सबका दिल जीत लिया। भारत की जीत पर बॉलीवुड के स्टार अमिताभ बच्चन ने विराट की तस्वीर शेयर की और लिखा यार कितनी बार बोला मई तेरे को कि विराट को मत छेड़ मत छेड़ मत छेड़, पर सुनता इश्क किधर है तुम, अब पर्ची लिख कर दे दिया ना हाथ में, देख देख वेस्ट इंडीज का चेहरा देख कितना मारा उसको कितना मारा। अमिताभ के इस ट्वीट के बाद विराट कोहली ने जवाब देते हुए लिखा हा 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 बहुत प्यारा डायलॉग सर, आप हमेशा से प्रेरणा दे रहे हैं। अमिताभ के इस ट्वीट के बाद विराट कोहली ने जवाब देते हुए लिखा बहुत प्यारा डायलॉग सर। इस मैच में कप्तान और भारत की जीत दिलाने के इरादे के साथ बल्लेबाजी करने उतरे थे कोहली ने वेस्ट इंडीज के लक्ष्य को भेदने के लिए पूरा जोर लगा दिया। अपनी तूफानी पारी के दौरान वह उस वक्त गुस्से से भर गए थे जब केसरी विलियम्स 13वें ओवर में उनसे टकरा गए, वो भी बीच पिच पर। वेस्ट इंडीज के लक्ष्य को भेदने के लिए कोहली ने पूरा जोर लगा दिया। दरअसल 13वें ओवर में कोहली और केसरी विलियम्स आधी पिच पर एक दूसरे से लगभग टकरा से गए थे क्योंकि गेंदबाज गेंद पर झपड़ रहा था और बल्लेबाज एक रन के लिए छोर बदलने में लगे थे। कोहली ने तुरंत एम्पायर से शिकायत की। विलियम्स ने माफी मांगते हुए सीधे हाथ उठाया लेकिन कोहली की आक्रामकता अचूक थी। कोहली ने विलियम्स से अगले ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी की। भारत को अभी भी 30 गेंदों में 54 रन चाहिए थे। इस ओवर में पहली गेंद को कोहली ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से उछाला और चौका हासिल किया। अगली गेंद पर फ्लिक कर कोहली ने लेग साइड पर प्रहार कर छक्का उड़ाया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ बस देखते ही रह गए। इसके बाद कोहली ने ऐसा किया जिसे देख सभी दंग रह गए। कोहली ने पर्ची फाड़ने वाला जश्न मनाया जिससे हैदराबाद की भीड़ रोमांचित हो उठी। केसरी विलियम्स के लिए ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं बचा। दरअसल कोहली ने पर्ची फाड़ने के अंदाज में क्रिस पर जश्न मनाया। सच तो यह है कि कोहली ने बदला पूरा किया। आपको बता दें कि 2017 में केसरी विलियम्स ने कोहली को आउट कर कुछ इसी तरह का जश्न मनाया था जिसे भारत के कप्तान अब तक नहीं भूले थे। यह झटका जमैका में खेले गए टी20 के दौरान देखी गई थी। तब विलियम्स ने कोहली को 29 के स्कोर पर आउट कर दिया था और पर्ची फाड़ने के अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की थी। कोहली का यह अंदाज आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।